तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नीड फॉर मेजरमेंट। एक्चुअली ये ना आंसर था अभी कल ही डिस्कस कर लिया थी, क्योंकि जब हम तुसी फिजिक्स की गल करते हैं तो वो पिछे असी की कर रहे हैं, बेसिकली असी डिफरेंट नैचुरल मैन मेड फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये जिन्ने नैचुरल मैन मेड फिनोमिना है ये अंडर सर्टन लॉज अकर हो रहे हैं, है ना, हो रहे हैं। तो ये जिहड़े लॉज है इन्हां नूं एक्सट्रैक्ट करन दे लई असी जिन्हां क्वांटिटीज की हेल्प लैने हैं उन्हां नूं असी फिजिकल क्वांटिटीज कहने हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज नूं असी मेजर कर सकते हैं डायरैक्टली और इनडायरैक्टली। और किसी भी क्वांटिटी नूं मेजर करन दे लई सब तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उस क्वांटिटी नूं असी स्टैंडर्ड वैल्यू के नाल कंपेयर करना, और स्टैंडर्ड वैल्यू नूं असी यूनिट कह दिंदे हैं। तो हुण तुसीं नोट की करना है पुत्त, देखो मान लो थानू मैं कहना वा लेंथ ऑफ रूम मेजर करो, तो इहदा मतलब इत्थे फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और जदों तुसीं लेंथ ऑफ रूम मेजर करोगे बेटा है ना, तो सपोज तुसीं मेजर करके आंसर लिखता 7.3 meter, ठीक है। फिर मैं थानू कहना तुसीं ना मास ऑफ चेयर मेजर करो, हुण इस बार थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी की है मास, तो तुसीं मास ऑफ चेयर मेजर किया तुसीं लिखा 2.9 kg, ठीक है। फिर मैं थानू कहना भी इस बार तुसीं ना जो क्लास टाइम है वो नोट करो, टाइमिंग, हुण जो टाइमिंग नोट की थी तुसी क्लास की, तुसी क्या क्लास की 46 minutes, ठीक है। हुण ध्यान की देना आप गल की समझ नहीं है, बड़े सिंपल गल है, जिहड़ी लैफ्ट साइड है कुछ उधर आप लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी का नाम या सिंबल, तो एक्स का मतलब है जिस फिजिकल क्वांटिटी नूं असी मेजर कर रहे हैं उसका फुल नेम या उसका सिंबल। तो राइट साइड पे जदों तुसी वैल्यू देखी पुत्र, तो आ पता कौन है और आ कौन है, आ है यूनिट का नाम, आ है यूनिट का नाम, आ है यूनिट का नाम। तो स्मॉल यू का मतलब यूनिट का नाम, पर यूनिट के नाल जिन्हों असी मल्टीप्लाई किया इन्हों असी कुछ कहने हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू, और दिस इज नोन एज यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू पे यूनिट का जो बेटा प्रोडक्ट है दिस इज नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बुत, तो हुण एक गल जिहड़ी समझ नहीं आ जे तो असीं स्टार्ट कंफ्यूज हो जाने हैं कि आ बेटा दिस इज नॉट द मैगनीट्यूड ऑफ लेंथ, ये मैगनीट्यूड ऑफ लेंथ नहीं है कला, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू जदों यूनिट के नाल मल्टीप्लाई होके आई दैन इट बिकम्स मैगनीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। तो अगर मैं तेनों कहां कि इस केस च लेंथ ऑफ रूम का मैगनीट्यूड किन्ना वा,
जे तो मैं कहूंगी 7.3 वो गलत है, 7.3 मीटर तो मैग्नीट्यूड है। जे मैं तेन कह पुत मास ऑफ चेयर का मैग्नीट्यूड कितना, जे तू मैं कहूंगी 2.9 वो गलत है, 2.9 kg। जे तू कहूंगी क्लास टाइम, तो अगर तू कला 46 बोल रही है गलत है, मैग्नीट्यूड है 46 मिनट। अच्छा हम इंटरेस्टिंग गल की है पुत, देख हूँ आप कंसिडर कर लेने हैं। हूँ सपोज जो लेंथ ऑफ रूम है वो आप मेजर की है और यूनिट कि सिलेक्ट किया पुत मीटर, तो आंसर आया सा 7.3 मीटर। पर अगर तू यूनिट सिलेक्ट किया होगा सेंटीमीटर, फिर तेरा आंसर की आना सी हंड्रेड है ना, 730 सेंटीमीटर। हम एक गल सुने देख, जी गल मैं तेन कन्वे कर रहा हूं कि लेंथ ऑफ रूम का मैग्नीट्यूड या तो तू बोलूंगी कि 7.3 ते या तू बोलूंगी 730 सेंटीमीटर, ये दोनों सेम है ठीक है। पर हूँ जी गल सीखनी है पुत, आ यूनिट कौन है, ऐसा यूनिट है मीटर और आ पीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, तो हम दोनों विचों बिगर यूनिट केड़ा वा, साइज तो वड्डा जरा मीटर, मीटर वड्डा वा। जो आप बिगर यूनिट सिलेक्ट किया वा तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है 7.3, पर जो असी स्मॉलर यूनिट सिलेक्ट किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू की कर गए इंक्रीज कर गए है ना, बट मैग्नीट्यूड की रहा, मैग्नीट्यूड सेम रहा ठीक है। हूँ जिदा सपोज करो मैं तेन कहना भी पुत्र आज अपनी फिजिक्स की क्लास 1 आवर की है, तो या मैं कह दिना 60 मिनट की है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, पर जो मैं आर बोलता वा तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, पर जो मैं मिनट बोलता वा न्यूमेरिकल वैल्यू 60 हो गई। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है ना पुत्र, वो जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट के चेंज होने के नाल चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होंदा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगी। मतलब जी मैं गल तेन इतों समझा रहा कि अगर मान लो आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं पुत, तो उस मेजरमेंट के लिए क्योंकि साढ़े को किसी भी क्वानिटी के डिफरेंट यूनिट्स है, तो जो असी मेजरमेंट के लिए यूनिट सिलेक्ट करा तो कि यूनिट सिलेक्ट करना वो मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वानिटी पर कोई फर्क नहीं पाएगा, हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पर फर्क पाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैग्नीट्यूड बोथ आर डिफरेंट टर्म, तो आप समझते हैं कि आ जरा मेजरमेंट का नंबर होंगे ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो कि यूनिट के नाल मल्टीप्लाई हो जाता दैन इट बिकम्स मैग्नीट्यूड ठीक है। तो ये फार्मूला थानू की दस रहा पुत्र कि जो असी कोई भी क्वानिटी मेजर करते हैं तो उस क्वानिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूनिट जोड़ा प्रोडक्ट है जिन्हों असी कहने मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वानिटी इट रिमेन्स कॉन्सटेंट। तो अगर एन यू का प्रोडक्ट कॉन्सटेंट है इट मीनस एन की वैल्यू इनवर्सली प्रपोर्शनल टू यू है, मतलब अगर यूनिट का साइज वड्डा होएगा एन छोटा होएगा, अगर यूनिट छोटा होएगा तो एन ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा, मतलब बड़िया बेसिक गल्ला जिहड़ियां स्टार्टिंग दे लई सानू स्टार्टिंग एग्जाम के लिए पूछ लिया जाएगी, बट लेटर ऑन नहीं इन्हों असी कंसिडर करते ज़्यादा, बट पता होना चाहिए है ना। तो ये नोट कर लेना
ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर बेटा कितनी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल क्वांटिटी 7। तो इन एसआई फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास बाय एसआई यूनिट थी किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल, है ना। पर हम इसके अलावा हमें याद रखना पड़ेगा, इन एडिशन टू दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए हम आपको, नंबर 1 है प्लेन एंगल, नंबर 2 है सॉलिड एंगल। और एक्चुअली जब तुम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उदे च सर्कल ड्रॉ करते हैं, हूँ जिदा मैं थोड़े सामने अगर एक सर्कल ड्रॉ करना पुत्र, तो अगर आ सर्कल का सेंटर है तो मैं इस सर्कल के उपर ए बी, ए बी नू तुसी पता की कहते हैं आर्क, तो ये जी आर्क ए बी है अगर इसकी लेंथ एल है तो ये आर्क सर्कल के सेंटर से कुछ एंगल प्रटेंड कर रही है ना, तो ये वाला जो एंगल है जो तुम कला एंगल 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 कह रहे थे पूरा नाम प्लेन एंगल है, ठीक है, दिस इज प्लेन एंगल। हूँ तुम उसे पुत्र टेंथ तक एंगल का यूनिट केड़ा यूज करते आए हैं, डिग्री। एंगल कितना वा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बट जो एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन। मतलब जिस तरह पुत्र आप टेंपरेचर का नॉर्मल लाइफ के विच यूनिट केड़ा यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस, बट एसआई यूनिट ऑफ टेंपरेचर केल्विन है ना। असि आम जिंदगी दे विच लेंथ नू मीटर च, सेंटीमीटर, किलोमीटर च मेजर करते हैं, बट एसआई यूनिट लेंथ का मीटर है। टाइम नू असि आवर, डे, वीक मेजर करते हैं, बट एसआई यूनिट टाइम का सेकेंड है। तो उदा ही याद रखना कि प्लेन एंगल का एसआई यूनिट रेडियन, रेडियन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट साडे लई है, इहदे बारे आपां डिस्कस करांगे हुण डिटेल च। बट जिहड़ा सॉलिड एंगल है पुत्र, ये बेसिकली ना थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो हुण जिस तरह इहनूं तुसीं अगर विजुअलाइज करना वा, तो उहदे लई ना सब तो बैटर एग्जाम्पल होएगी कोन, आइसक्रीम वाला कोन। तो जिहड़ा आइसक्रीम वाला कोन है, बनया हुआ ना कौन, तो आ जरा एंगल बन रहा वाला एंगल फेस के विच, इनू असि सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट बेटा है टी रेडियन, टी रेडियन, बस दैट्स ऑल। ए बारे आप ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करना। हाँ, एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन। तो
ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੋ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਨ। ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਨ ਵੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਲੇਨ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਤੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਨ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ 360 degree। ਤੋ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 360 degree ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2π radian ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ 1000 meter ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 kilometer, ਜੇ ਆਪਾਂ 1000 meter ਨੂੰ 1 kilometer ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ 360 degree ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2π radian ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ 360 degree ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2π radian ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 degree ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π/360 radian ਜਾਂ 1 degree ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5/180 radian। ਸੋ 1 degree ਐਂਗਲ 5/180 radian ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਵਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 30 degree ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੇਡੀਅਨ, ਵੀ 30 degree ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ 1 degree ਐਂਗਲ 5/180 ਹੈ, ਤੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਧ? 30 degree ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 30 × 1 degree। ਤੋ 30 ਔਰ 1 degree ਹੈ 5/180 radian, ਇਟ ਮੀਨਸ 5/6 radian। ਅੱਛਾ 45 degree ਨੂੰ 5/4 radian ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ 60 degree ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਟੂ ਰੇਡੀਅਨ। ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਗਲ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਜਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ 90 degree ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂ 5/2 radian। ਦੈਨ 120 degree ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਟੂ 5/3
हाँ रेडियन है ना, तो मीन्स थानू हुण अगर डिग्री च एंगल दिता तो तुसी उनू रेडियन च कन्वर्ट करना सीख लिया वा, और उहदे लई तुसी रिलेशन जिहड़ा याद रखिया कि 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है, क्योंकि 360 डिग्री एंगल नू असी 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है, तो ए पॉइंट है। तो अच्छा हुण बेटा देखो, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जेड़े दो चार लेक्चर है ना, ये सिर्फ इनफॉरमेशन शेयर हो रही है अपन, तो ये विच कोई ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट नहीं है, बट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनू अपन डिनाई नहीं कर सकते। हुण दूसरी गल पर देखो, हुण कई बार साडे माइंड दे विच ना एक क्वेश्चन भी आता वा कि जो असी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स दे विच न्यूमेरिकल सॉल्व करना या मेजरमेंट नोट करनी है, तो प्रेफरेबली असी एसआई यूनिट्स ही प्रेफर करते हैं, मतलब साडी जिहड़ी प्रेफरेंस है एसआई यूनिट ही क्यों होंदी है, तो उहदा कारण की है पुत्तर, उहदा रीजन की है, उहदे लई आपां अंडर हेडिंग याद रख सकते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स। हम एसआई यूनिट्स की एडवांटेजेस को समझने से पहले सानू कुछ होर बेसिक पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि अभी तो सानू याद होएगा कल जो असी टॉपिक स्टार्ट किया सी स्टार्टिंग लिखा सी फिजिकल क्वांटिटी, फिर सानू दसिया सीगा फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, नंबर टू derived quantities। हुण बेटा fundamental quantities दे नाम का सी नोट कर ले सीगे, याद कर ले है, तो वो जो fundamental quantities है ना उन्हें नो छड़ के बाकी जो भी quantities है like जिदा speed है, जिस तरह velocity है, जिस तरह एक्सेलरेशन है, फोर्स है, लीनियर मोमेंटम है, या कल लिखाया थी टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, या फिर पूरा का नाम लिखे थे पुत्र वर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, प्रेशर है, एक्सेट्रा। तो मतलब वो जो अपना सात नाम लिखे है ना, केड़े केड़े सेवन नेम्स है, एक मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल, इन्हों सत्ता को छड़ के बाकी सब क्वांटिटीज derived quantities है। derived क्यों है बुत, तो देखो कि actually speed का formula की है distance over time, मतलब distance again length है, तो length is a fundamental quantity, time is a fundamental quantity, तो जिहड़ी speed है वो आपां एक fundamental quantity distance नूं दूसरी fundamental quantity time नाल divide करके derive कीती है, इस करके derived quantity। वेलोसिटी भी की है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन लेंथ है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वन फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट नू टाइम नाल, अदर फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम नाल डिवाइड करके अभी वेलोसिटी डिराइव की है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी क्वांटिटीज बेसिकली कितों डिराइव हुई है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन्होंने मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो इस करके इन्हें असी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहने। और फिजिक्स के अंदर बेटा जिदा कि थानू दसिया सीगा कि रफली जे मैं कैलकुलेट करा तो थानू दसा कि मोर दैन 250 फिजिकल क्वांटिटीज है, तो उन्होंने विचों 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੀਡ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੀਟਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੁਆਂਟਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤੋ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਟਾ। ਫਸਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ ਏ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ, ਇਟ ਇਜ ਏ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਐਸ ਆਈ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਹੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਓ ਬਿਕੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਰਾਈਵਡ ਯੂਨਿਟਸ ਆਰ ਓਬਟੇਨਡ ਸਿੰਪਲੀ by multiplying or dividing fundamental units. Without introducing any numerical value. ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਆਫ ਐਕਸਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਐਸਆਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ, ਦੀਜ਼ ਯੂਨਿਟ, ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ, ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਨਰਜੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਐਸ ਆਈ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਹੀਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕੈਲੋਰੀ, ਕੈਲੋਰੀ।
मकैनिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए असी सिस्टम जरा यूज करते थे दैट वाज जूल है ना वो जूल है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए असी यूनिट यूज करते थे किलोवाट आवर ठीक हूँ प्रॉब्लम की है पुत्र कि एनर्जी जो है उदियाँ डिफरेंट फॉर्म्स में यूनिट्स भी डिफरेंट यूज किए जाते थे बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसआई तो खुद इस सिस्टम ने भी किया तो कहना कि चाहे हीट है चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी है चाहे मैकेनिकल एनर्जी है तो इन्हों का यूनिट सिर्फ जूल ही रहेगा मतलब आज तो बाद एसआई यूनिट ऑफ हीट भी जूल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट भी जूल है तो एनर्जी की कोई भी फॉर्म है वह एसआई यूनिट सेम ही है जूल ठीक है बाकी अदर यूनिट है नो डाउट कैलोरी भी है बट एसआई यूनिट सब का सेम तो दैट्स व्हाई इन उसी बोलते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्योंकि इन्हें पता कि जिसका तो लिखो अपना सेकंड पॉइंट लिखा इट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बिकॉज इन दिस सिस्टम different forms of energy will have the same unit, same SI unit that is joule. तो इस करके रैशनल सिस्टम बोलते हैं बेटा तो मतलब फिर मैं अभी दस रहा भी ये जो स्टार्टिंग के स्कूल एग्जाम होंगे वो कई बार पूछ लिया जाता कि जरा एसआई सिस्टम है इनू रैशनल क्यों कहने इसनों कोहेरेंट क्यों बोलिया जाता तो वो एक एक नंबर में यह फॉर वन मार्क ये डेफिनेशन लिख लेनी है याद कर लेनी है ना पर जो अस बेटा गल करते हैं थर्ड पॉइंट भी इट इज ए मीट्रिक सिस्टम मीट्रिक सिस्टम का मतलब यह है कि जिस तरह तुम देखो जो आवर है तो आवर नू अगर मिनट च कन्वर्ट करना तो वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है वन मिनट नू सेकेंड च कन्वर्ट करना वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है ना तो जो मीट्रिक सिस्टम होंदा बेटा उहदे विच जदों असी वन यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो वह मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल ऑफ 10 दे विच होंगी जिदा कल देखिया कि अगर बेटा आप देखिए कि 1 meter है दिस इज इक्वल टू 100 centimeter मतलब 10^5 ठीक है 1 meter इज इक्वल टू 1/1000 kilometer है मतलब 10^-3 kilometer तो इतने देखो बेटा जदों असी इतने मीटर नू सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं तो यह है मल्टीपल ऑफ 10 ठीक है पर इतने इन मल्टीपल ऑफ 10 भी कहेंगे क्योंकि यदि पावर नेगेटिव है ना इन कहेंगे सब मल्टीपल ऑफ 10 ठीक है बोलने का तरीका वा सब मल्टीपल ऑफ 10 मतलब जो असी मीट्रिक सिस्टम की गल करते हैं और वन सिस्टम यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्जन वेले असी जो फार्मूला यूज करते हैं कन्वर्जन का वह 10 की पावर च हुंदा वा या नैगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 10 आ जाए है ना तो इस करके असी मीट्रिक सिस्टम कहने वो बारे भी लिख लो इट इज ए मीट्रिक सिस्टम
बिकॉज इन दिस सिस्टम कन्वर्जन फ्रॉम एसआई टू एसआई यूनिट्स टू अनदर यूनिट is expressed in terms of multiples of sub multiples of n. ठीक है. And then last point is a fourth point note कर सकते हैं कि it is an internationally accepted system. तो ये करके अभी SI नू प्रेफर करते हैं मेजरमेंट के विच. तो एक पॉइंट आ गया. नेक्स्ट बेटा देखो, हम जिस तरह बेटा अपन कल डिस्कशन स्टार्ट की है कि जदों असी कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो सब तो पहला किसके बारे सोचते हैं बेटा? यूनिट बारे. आप यूनिट की सिलेक्शन कर रहे हैं. हम यूनिट की सिलेक्शन करते वक्त साढ़े माइंड के विच की होंगे देखो. हम सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेना कि सपोज असी थिकनेस ऑफ हेयर मेजर कर रहे हैं. सेकेंड टाइम असी लेंथ ऑफ दिस पेन मेजर करनी. थर्ड टाइम असी लेंथ ऑफ रूम मेजर करनी है. फोर्थ टाइम असी डिस्टेंस बिटवीन जलंधर एंड लुधियाना मेजर करना. हूँ जदों तक असी लेंथ ऑफ दिस पेन मेजर करनी है ता असी यही मेजरमेंट के लिए जेड़ा यूनिट प्रेफर करांगे तो सेंटीमीटर ही करांगे, है ना. जो असी लेंथ ऑफ रूम मेजर करनी है तो मीटर नू प्रेफर करांगे. जो असी डिस्टेंस बिटवीन जालंधर एंड लुधियाना करना तो किलोमीटर नू प्रेफर करांगे. जो असी थिकनेस ऑफ लेयर मेजर करनी है तो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर नू प्रेफर करांगे. मतलब किसी भी मेजरमेंट को जो असी कंप्लीट करना वो जो यूनिट सिलेक्ट करते हैं तो असी मतलब डिसाइड करते हैं कि जी मेजरमेंट है वो अकॉर्डिंगली साइज ऑफ यूनिट सिलेक्ट कर लिया जाता है ना. वो थोड़ा जहा यूज करने कन्वीनियंट रोल प्ले करता. हम बेटा देखो जो असी गल करते हैं कि मान लो असी साइज ऑफ एटम साइज ऑफ न्यूक्लियस या जिस तरह सानू पता वा कि जेडे लाइट है वो डिफरेंट कलर्स है. हुन लाइट के जेडे डिफरेंट कलर्स है उन्हें कलर्स नू असी जदों मेजर करते हैं कितना करते हैं असी एक तो कलर टर्म यूज करते हैं एक क्योंकि लाइट इज ए वेव वेव है तो वेव के नाल थानू पता तुसी दो टर्म बेसिकली यूज करते हैं एक फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एक वेवलेंथ है ना. तो इट मीनस जी लाइट है ना वो जो डिफरेंट कलर्स है तो डिफरेंट कलर एक दूजे तो क्यों अलग अलग है तो उसका कारण है कि उनकी वेवलेंथ डिफरेंट. ये बारे भी डिटेल क्लास टू च आएगा
बट क्योंकि 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਟਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਔਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਔਰ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨਿਟ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟ। ਤੋ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟਰ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਚ, ਫੁੱਟ, ਮਾਈਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਟਰਮ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਹੈ, ਤੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੈਂਥ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਥ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚਲੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਸਪੇਸ ਇਜ ਕਾਲਡ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮੀਟਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੋ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬਟ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਚੌਥਾ ਹੈ ਪੀਕੋਮੀਟਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੈਂਟੋਮੀਟਰ। ਸੈਂਟੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਰਮੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਰਮੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
हुण बेटा थानू पता होना चाहिदा कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर का प्रीफिक्स, 1 नैनोमीटर 1 पिकोमीटर माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है बेटा, हुण देखो कि जेडे डिफरेंट यूनिट्स है लेंथ दे माइक्रोस्कोपिक, तो स्टार्टिंग दे लई फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट कन्वर्जन कितना करी दी है, बेसिक फंडा की है। वैसे तो मैथमेटिकल का पार्ट है, लोअर क्लासेस तुहानू पता होएगा, बट फिर भी एक बार आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक न्यूमेरिकल लिखो, राइट ए न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल है बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 1 माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ लिखे थी ना, केड़े केड़े है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर। ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है वो लिख लो पहला, माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ दैट इज एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो उन्हें जो एंगस्ट्रॉम है इसका सिंबल कैपिटल ए के ऊपर डॉट पाया है ना, तो सर्कल पाया है, तो हूँ ए नॉट पढ़ लेने रीड कर दें ए नॉट। तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ मीटर, ये भूलना नहीं है तुम्हें। हुण आपां वापस न्यूमेरिकल पे आने हैं, तो लिखो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6895 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट इट्स वैल्यू इन नैनोमीटर, तो वेवलेंथ है 6895 एंगस्ट्रॉम, तो आप यदि वैल्यू निकालनी है नैनोमीटर है ना। तो देखो हूँ आप स्टार्ट किया थी आज का लेक्चर कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड है 6895 एंगस्ट्रॉम, तो उसको नैनोमीटर कन्वर्ट करना। तो जब आप एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6895, जब अच्छी नैनोमीटर यूनिट यूज करांगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर कितनी आएगी तो वो रिलेशन निकालना ना। वो पता है कि करना कुछ सिंपली, तुसी जिहड़ा बेसिक फंडा बड़ा बेसिक है कि 1 एंगस्ट्रॉम जिहड़ी वैल्यू है जिहड़ी आपां गिवन है वो 10⁻¹⁰ मीटर, तो जिहड़ा नैनोमीटर है जिहदे च कन्वर्ट करके जाना वा वो है 10⁻¹⁹ मीटर। तो आप रेशो ले लेने, तो एंगस्ट्रॉम ओवर नैनोमीटर की रेशो की आ जाएगी, मीटर मीटर कटिया गया, तो ये जो ऊपर जाएगा तो 10⁻¹⁰ हो जाएगी, पता लग गया, क्लियर है इस तक का नहीं कोई डाउट। तो इट मीन्स
वन आर्मस्ट्रांग के लिए बराबर है बेटा 10^-10 नैनोमीटर, या वन आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर है। ठीक होगी गल। हुण जदों सानूं रिलेशन पता लग गया तो मैं इत्थे की करांगा 6895 वन आर्मस्ट्रांग नूं दी जगह आपां 1/10 नैनोमीटर लिख सकते हैं। 6895 नैनोमीटर आंसर आ गया, है ना। तो मतलब जो आर्मस्ट्रांग तो नैनोमीटर वाल जाना तो आर्मस्ट्रांग और नैनोमीटर का रिलेशन मैनू पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप रिलेशन जो सू वैल्यूज दी हुई उतो निकाल सकते हैं। समझ आई बेटा, हूँ लिखो ये जिस तरह सेकंड अमेरिकल कर लो, साइज ऑफ एन एटम इज 29 आर्मस्ट्रांग। एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन पिकोमीटर, साइज ऑफ एन एटम इज 29 आर्मस्ट्रांग, एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन पिकोमीटर पिकोमीटर। तो कैलकुलेशन देखो गलती की थी है, कैलकुलेशन से गलती है, स्टेप पूरे ठीक है। और नीचे एक वन आर्मस्ट्रांग ओवर वन पिकोमीटर की रेशियो जी है, और 10^-2 आएगी क्या +2 आएगी, पता लग गया ना। तो इन्हू हम सॉल्व करने के लिए वन आर्मस्ट्रांग है बेटा 10^-10 मीटर, तो वन पीकोमीटर है 10^-12 मीटर, रेशो ले ली। तो आर्मस्ट्रांग ओवर पीकोमीटर की रेशो आ गई 10^2, है ना। ध्यान रखना क्योंकि जब इन्हें ऊपर जाना तो पावर प्लस हो जानी है ना। हाँ, ये छोटी छोटी गलती है जिसके करके सारी मेहनत बेकार हो जाती है, तो ध्यान रखना। तो 10^2 पीकोमीटर, इसका मतलब थोड़ा आंसर की आ गया 29×10^2 पिकोमीटर, या 2900 भी लिख सकते हैं। ठीक है पुत्र। तो आज की जी आप डिस्कशन की है, इस जिहड़ी इनफॉर्मेशन थोड़े कोल आई है, एक तो यह आ गई कि जिहड़ा SI सिस्टम है उसकी एडवांटेजेस की है, है ना, क्योंकि वह स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो सानू इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जिहड़ी लेंथ है
ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਲੈਂਥ ਦਾ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਪੀਜੀਐਸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਬਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਪਰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਬਟ ਮਾਈਕਰੋਨ ਇਜ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋਨ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਨ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਨੋਮੀਟਰ, ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, ਪੀਕੋਮੀਟਰ, ਫੈਂਟੋਮੀਟਰ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਥ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਦਰ ਯੂਨਿਟ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੀਟਰ 'ਚ ਪਤਾ ਵਾ ਔਰ ਪੀਕੋ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨੈਨੋ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ। ਔਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਫਿਜਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਲੱਗ 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 ਅਲੱਗ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ